हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी गोना एक्सप्लेन द मूवी द वॉर ऑफ वेयरवुल्फ। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 8.3 आउट ऑफ 10 है, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो मूवी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि क्रिएचर को अपनी बॉडी के अंदर डाल रहा था, और तभी उसकी आईज नीली हो जाती हैं और तभी वो एक वेयरवुल्फ में चेंज हो जाता है, और यहीं पे ये सीन कट कर दिया जाता है। और अब हम मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं। इसका नाम लैंगजुन था, जो कि कुछ सामान डिलीवर कर रहा था, और तभी वो न्यूज़ सुनता है कि सिटी में कुछ लोग गायब किए जा रहे हैं, और तभी उसके अंकल का उसे कॉल आता है जिनका नाम जैंग था, और वो उसे बर्थडे विश करता है। और जब वो आगे बढ़ता है तो उसे कार मिलती है जिसका एक्सीडेंट हो चुका था, और वो उस कार के आदमी को बचाने लगता है। लेकिन वो क्रिएचर जो मूवी की स्टार्टिंग में हमने देखा था उसकी बॉडी में चला जाता है, और तभी वो वेयरवुल्फ में बदल जाता है। उसी वक्त वहाँ कमांडो आर्मी आ जाती है, मगर जून उन सबको वहीं मार देता है। अब आखिरी में एक लेडी उस पर गन चलाती है, मगर जून वहाँ से भाग जाता है। अब ये बात कमांडर के लीडर को पता चलती है तो ये सुनकर वो काफी हैरान होता है, क्योंकि वो बहुत टाइम से एक ऐसा पर्सन ढूंढ रहा था जो कि इस क्रिएचर के साथ परफेक्ट हो सके, मगर उसे आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला था। अब हम जून को देखते हैं, जब वो घर जाता है तो बहुत वाइल्डली खाना खाता है और काफी ज्यादा खाता है, जिससे उसे वोमिटिंग भी हो जाती है। अब वो खुद को मिरर में देखता है जहाँ उसका फेस वेयरफुल में चेंज हो जाता है। ये देखकर वो काफी शॉक रह जाता है। अब वो वहीं बेहोश हो जाता है। जब वो सुबह उठता है तो उसमें काफी चेंज हो गए थे, जैसे कि वो हल्की से हल्की आवाज बहुत तेज सुन पा रहा था। उसी वक्त वो न्यूज सुनता है कि 12 साल पहले जो वुल्फ की स्क्रैच उन्हें दिखे थे वही स्क्रैच उन्हें मिले हैं। ये सुनकर जून बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अब सुबह जून काम पर जाता है तो उसका बॉस उस पे बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, क्योंकि उसने अपनी गाड़ी को रास्ते में ही छोड़ दिया था, और तभी उसका बॉस उसे किसी चीज से हिट करना चाहता है, लेकिन जून उस चीज को वापस फेंक देता है जिससे वो चीज दीवार में जाकर लगती है, और तभी वो दीवार क्रैक हो जाती है। तो बॉस ये देखकर काफी शॉक रह जाता है और जून वहाँ से चला जाता है। अब हम एक आदमी को देखते हैं जो जून पर नजर रखे हुए था। अब उसे अपने बचपन की कुछ यादें आने लगती हैं, जिसमें उसे कुछ बच्चे परेशान कर रहे थे। जून उस वक्त बहुत डरा हुआ सा रहता था और उनके परेशान करने पर वो कुछ भी नहीं कर पाता था, लेकिन उसी वक्त वहाँ उसकी फ्रेंड आकर उसे बचा लेती है। उसी वक्त उसको याद आता है कि उसकी फ्रेंड का बॉक्सिंग मैच है, और तभी मैच देखने वहाँ से वो चला जाता है, और वहाँ उसकी फ्रेंड वो फाइट जीत लेती है। जीतने के बाद भी उसकी ओपोनेंट उसको नीचे गिरा देती है, लेकिन वहाँ जून आकर उसको बचा लेता है। तभी वहाँ जिम के मालिक का बेटा आकर उसको बॉक्सिंग के लिए चैलेंज करता है। अब जून उसकी इस बात पर एग्री हो जाता है, अब फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो जून को एक ही हिट में नीचे गिरा देता है। अब हम कमांडर लीडर को देखते हैं जो कि जून पर अभी भी नजर रखे हुए था। अब यहाँ हमें पता चलता है कि जो आदमी हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था वो जून के फादर थे, जिनकी डेथ हो चुकी थी, और उसकी मॉम भी बहुत पहले मर चुकी थी, और उसी वजह से जून अकेला ही रहता था। अब हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि जून एक कंपनी की एक्सपेरिमेंट की लास्ट उम्मीद बची थी, क्योंकि जो क्रिएचर जून की बॉडी में था वो जून की बॉडी में पूरा अटैच हो गया था। इसलिए वो कमांडर लीडर अपनी आर्मी को उसे पकड़ने को कहता है। अब हम जून को देखते हैं जो अब अपने होश में आ चुका था, और वो अपने फ्रेंड के घर में था। वो उससे कहती है, मुझे ये बताओ कि तुमने बिना वजह बिना मुझसे बात किए तुमने वो चैलेंज क्यों एक्सेप्ट किया। अब जब वो बात करता है तो उसकी नजर उसके फेस पे जाती है जहाँ पर बैंडेज लगी हुई थी, और वो सेंसोलिया नाम की कंपनी की थी, और उसके फादर उसी कंपनी में काम किया करते थे। वो लेडी भी यहाँ काम करती थी जिसने लास्ट टाइम जून पे फायर किया था। और फिर उसकी फ्रेंड अपने भाई के कुछ फोटोग्राफ उसको दिखाती है जो कि बहुत पहले गायब हो चुका था, और किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। तभी जून कहता है, मैंने इसको कंपनी में देखा है, लेकिन तभी वहाँ वो आर्मी आ जाती है। अब जून जल्दी से बचते हुए उनकी कार के नीचे छुप जाता है, और उसको ट्रैक करने के लिए अपना फोन वहाँ छोड़ देता है। जब वो चले जाते हैं तो उसकी फ्रेंड पूछती है, ये कौन है और क्या चाहते हैं तुमसे, और वो बताता है, ये लोग मुझे इसलिए लेने आए हैं
क्योंकि मेरे अंदर एक क्रिएचर है और वो उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। अब इसके बारे में वो और जानने के लिए अपने अंकल के पास जाता है। जब वो वहाँ जाता है तो देखता है वहाँ आग लगी हुई है और वो बहुत मुश्किलों से अपने अंकल को बचाता है और फिर वो उनसे उस कंपनी के बारे में पूछता है, लेकिन वो कहता है कि उनको कुछ भी मालूम नहीं है। अब जुन वापस वहाँ से चला जाता है, लेकिन अभी भी उसका कोई पीछा कर रहा था, मगर वो उसको पकड़ लेता है और अपनी फ्रेंड के घर ले आता है और वो उसको बताता है कि वो बस सेल यूनियन कंपनी के बारे में जानना चाहता था और वो एक हैकर है जिसने बहुत क्रिमिनल को पकड़वाया था, इसलिए जून उसको अपने साथ रख लेता है क्योंकि वो लड़का उस कंपनी के बारे में उसको बहुत सारी बातें बताता है। वो कहता है वो एक ऑयल बिजनेस कंपनी है, मगर यहाँ कुछ इलीगल काम भी होते हैं। वो लोग दूसरी कंट्री से इलीगल केमिकल वेपन्स को ट्रीट करते हैं और इसी कंपनी में उसके फादर और अंकल भी काम किया करते थे। अब वो जून की फ्रेंड को बताता है कि जब उसका भाई खो गया था उससे पहले उसने उससे बात की थी और वो ये भी बताता है कि गायब होने से पहले उन लोगों को एक गेम दिया जाता है जिसे उन्हें खेलना होता है। अब वो लड़की भी इस बात पर एग्री हो जाती है और कहती है मेरे भाई को भी कुछ ऐसा ही ऑफर मिला था। अब नेक्स्ट डे जून अपनी फ्रेंड के साथ घूमने जा रहा था और तभी उसको वो लड़का कॉल करता है जो उसका पीछा कर रहा था। तभी पीछे से कमांडो लीडर अपनी आर्मी के साथ आ जाता है और वो वहाँ अपनी फ्रेंड की वजह से फंस जाता है और उनके साथ जाने को रेडी हो जाता है और जून तभी कार में बैठकर चला जाता है, लेकिन उसकी फ्रेंड उस गाड़ी के पीछे भागती है और उसे भागकर रोक लेती है। जून एक बॉक्सिंग चैंपियन थी तो इस वजह से वो उन कमांडरों से फाइट करती है और वो जून को वहाँ से लेकर भाग जाती है और तभी जून अपने अंकल के पास आ जाता है और वो सारी स्टोरी के बारे में पूछता है। वो अब सब बताने लगते हैं कि उसके फादर उस कंपनी में काम किया करते थे और वो ऐसी मेडिसिन बनाना चाहते थे जो हर बीमारी को ठीक कर सके, क्योंकि उसकी मॉम बीमार थी। लेकिन जून के फादर की जब डेथ हुई तो सबको बहुत दुख हुआ, उसके बाद उन्होंने वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया। और तभी जून अपने फादर की डेथ के बारे में पूछता है, वो बताते हैं कि उसकी मॉम की डेथ एक बीमारी से हुई है, इसलिए उसके फादर बहुत दुखी रहने लगे थे और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो उस कंपनी में काम नहीं करेंगे, लेकिन वो कंपनी इस बात पर बहुत गुस्सा हो गई और उन्होंने तुम्हारे फादर को एक रूम में बंद कर दिया और उस रूम को आग लगा दी और उन्हें वहीं मार दिया। ये बात सुनकर जून को काफी गुस्सा आता है, लेकिन उसके अंकल कहते हैं तुम कुछ भी नहीं करोगे क्योंकि वो कंपनी बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। और तभी उस कंपनी के लीडर और वहाँ के कमांडो आ जाते हैं और आते ही वो उसके अंकल को मार देते हैं। अब ये देखकर जून को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उस वजह से वो वुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है और तभी वो फाइट करने लगता है और फाइट में उसे गोली लग जाती है और उस वजह से वो नॉर्मल हो जाता है और तभी उसकी फ्रेंड उसको नीचे गिरा देती है ताकि वो भाग जाए। अब वहाँ वो लड़का भी आ जाता है जो कि उसकी टीम में था, वो उसे कहता है तुम कुछ भी मत करो और यहाँ से भाग चलो और जब तक तुम उन्हें नहीं मिलोगे वो तुम्हारी फ्रेंड का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब ये सुनकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब वो एक समुद्र के पास बैठकर अपनी पुरानी यादों में खो जाता है और साथ ही उसके हाथ में एक लॉकेट भी होता है जिसमें उसके फादर की और उसकी पिक्चर थी। अब वो ये सब कुछ उस लड़की को दिखाता है। अब उसको समझ आ जाता है कि जिस जगह उसके फादर की डेथ हुई वो जिम ही था। अब वो उस जगह आ जाते हैं, वहाँ जाकर उन्हें वुल्फ के कुछ निशान मिलते हैं, वहाँ एक बॉक्स भी था और जून तभी उसे अपने लॉकेट से ओपन करता है और उसमें उसे एक टैप मिलती है जो कि उसके फादर ने उसके लिए रखी थी, जिसमें वो एक्सपेरिमेंट के अबाउट कुछ बताते हैं कि उन्होंने अपनी वाइफ यानी जून की मॉम को बचाने के लिए ये ड्रग बनाया था और उसे उन्होंने पहले खुद भी ट्राई किया, लेकिन उससे पहले उसकी मॉम मर गई और फिर उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया, लेकिन उस कंपनी के लोग उसे यूज करने लगे और उससे काफी लोग मर गए और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो उस कंपनी के इलीगल कामों को रोकेंगे। अब हम कमांडो लीडर को देखते हैं जो जैंग के लैब में तलाशी ले रहा था और वहाँ जितने भी प्रूफ थे उन्हें मिटाता जा रहा था। उसी वक्त उसको वहाँ एक प्रोजेक्ट मिलता है और वो उसको देखने लगता है, तभी उसको अचानक वहाँ कोई मार देता है। अब हम जून को देखते हैं जो कि उस कंपनी के एक्सपेरिमेंटल लैब में आ चुका था। अब जून सब कमांडर को वहाँ मारने लगता है। अब वहाँ जून की फ्रेंड को हम देखते हैं जो कि एक कमरे में बंद थी, वो अपने रूम से देखती है कि वहाँ उसका भाई भी कैद था
और वो उसे यकीन दिलाती है कि जून वहाँ आकर उन्हें बचा लेगा। अब जून अंदर आ जाता है, लेकिन तभी गार्ड भी वहाँ आ जाते हैं, मगर जून अपनी पावर से उन्हें वहीं मार देता है। अब उन्हें उस कंपनी के खिलाफ एविडेंस को ढूंढना था, इसलिए वो दोनों अलग होकर ढूंढने लगते हैं। और जून तभी अपनी फ्रेंड को बचाने वहाँ आ जाता है, मगर वो कमरा लॉक था। अब वो की को ढूंढने लगता है और तभी उसके अंकल वहाँ आ जाते हैं, जो कि अभी भी जिंदा थे। फिर वो जून को बताते हैं कि जो मेडिसिन तुम्हारे फादर बनाना चाहते थे वो मैंने तुम्हारे ब्लड से बना ली है, और देखो मैं ठीक हूँ और मुझे इससे कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। वो अपनी बातें उनसे बता ही रहा था, तभी अचानक से जैंक और उसके फादर का वीडियो प्ले हो जाता है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि जैंक कंपनी से मिलकर केमिकल वेपन को बनाना चाहता था, लेकिन जून के फादर उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे और इस वजह से उन्होंने जून के फादर को बंद कर दिया और उस रूम में आग लगा दी। अब जून ये देखकर समझ जाता है कि उस कंपनी का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उसके अंकल ही हैं। और तभी वहाँ उस कंपनी के लीडर की असिस्टेंट भी आ जाती है और वो कहती है जैंक ही इस कंपनी का मास्टरमाइंड है। वो उसको इसलिए ये बताती है कि उसने उसके बॉस को शूट करके मार दिया था। अब वो लड़की जैंक यानी जून के अंकल को मारने लगती है, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता क्योंकि उसने वो मेडिसिन खा ली थी जो जून के ब्लड से बनी थी। और तभी वो वेयरवुल्फ में चेंज हो जाता है और जून भी उसी वक्त वेयरवुल्फ में चेंज हो जाता है और उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। वो फाइट करते करते लैब से बाहर आ जाते हैं। अब वो लड़का जो जून के साथ था वो जून की फ्रेंड और उसके भाई को बाहर निकालता है। अब उसकी फ्रेंड जैंक के गले में एक रस्सी बांध देती है, मगर उससे उसे कुछ नहीं होता और उसमें वो लड़की इंजर्ड हो जाती है। और तभी जून वहाँ आकर उस रस्सी को ऊपर की तरफ खींच लेता है। तभी जून अपनी फ्रेंड की तरफ एक वायर फेंकता है और तभी वो जल्दी से उस वायर को जैंक को लगा देती है और वो वहीं मर जाता है। अब हम जून को देखते हैं जो अपने घर में बुक पढ़ रहा था। अब वो न्यूज़ देखता है कि जो भी खोए हुए लोग थे वो मिल गए हैं, लेकिन सबकी बॉडी पे एक अजीब सा निशान है। लेकिन जून ने भी इस कंपनी के बारे में सब कुछ लोगों को बता दिया था। अब यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।